तू तूने क्या समझा था? रास्ता बदल लेने से मसला हल हो जाएगा तेरा। तुझे तकलीफ क्या है? चाहता क्या है तू? तेरी हिफाजत। इतनी तुझे मेरी हिफाजत की फिक्र? मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? और चाचा तो काम पे होता है ना। तुझे अब्बा ने कहा मेरी हिफाजत करने को? हाँ, ये तो बाहर नहीं है तो पूछ ले उससे। हाँ, तूने कोई राम कहानियां सुनाई होंगी? झूठी कहानियां तो मोहब्बत नगर की बड़ी है, लेकिन तेरे कन्नों तक नहीं पहुंची। मुझे कोई शौक भी नहीं है झूठी कहानियां सुनने का। और चाचे से कहता था ना पढ़ा इसे, बिरादरी में अपने बराबर किसी को नहीं समझेगी। हाँ तो शऊर भी तो है ना बात करने का, और तुझ जैसे लौंटे का बात करने की तमीज भी नहीं है। चल बासु। कहाँ? अकरम हाथ छोड़ मेरा। हाथ छोड़, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, अब्बा को बताऊंगी जाके। अच्छा तो कह ले जो कहना तूने, उसके बाद मैं कहूंगा चाचे से, वही आजाद से खेतों वाली मुलाकात के बारे में। चल बासु झूठ ही बोलता रहता। अच्छा हाँ ठीक है, वो सही है, वो उस तरफ की तो मरम्मत हो जाएगी। जी जी। तो फिर कब से काम शुरू कर रहे हैं आप? बस मैं कल बाजार जाऊंगा और सामान सारा लेके आ जाऊंगा, और परसों से काम इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा सरदार जी। चलें बस, गुलाम मोहम्मद साहब प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा काम अच्छे तरीके से हो जाए। आप तो जानते हैं बाबा जानी को, कोई शिकायत ना हो बस। छोटे सरकार जी, आपने जितना भरोसा हम पे किया ना, आपके इत्माद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। गांव का पीर रोला होता है जी, वो बात है बड़े सरदार की, ये गुलाम मोहम्मद कारीगर बहुत अच्छा है जी। आपको अगर पैसे चाहिए मजीद तो मुझे बताइए, मैं दे देता हूँ। नहीं सरकार, आपने पहले ही बहुत पैसे दे दिए, अब मैं काम ख़त्म करके ही पैसे लूँगा। शुक्रिया। सरकार मेरी बड़ी बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए छोटी यहाँ आई है। मैं जाता हूँ उनकी मदद करता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। सलाम सरकार। अल्लाह हाफिज। बच्चू बाबा, लगता है हमारी किस्मत बहुत खराब है। आजाद बाबू, गांव में रोजाना महबूब देख लेना भी खुश नसीबी है। चल। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज हवेली का नया रूप देखा है रशीदा। अच्छा। हाँ हाँ। क्या मतलब? वो सरदार सिकंदर का बेटा है ना, सरदार आजाद। हाँ, वो जो शहर में पढ़ता है। हाँ हाँ, आज उसने मुझे हवेली में बुलाया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जागीरदार सरदार अपनी हवेली में तो बुलाते ही रहते हैं। ओहो, अब पूरी बात तो सुन लेने के वक्त है, और साथ बिठा कर चाय पिलाई है, और एडवांस में इतने पैसे दिए हैं कि पूरे काम के भी नहीं मिलने मुझे। अच्छा। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि सारे हवेली के मर जाएं, सरदार आजाद जिंदा रहे। क्यों? वो गरीबों की तकदीर बदल देगा, सब इंसानों को बराबर समझता है, सरदारों वाली बात नहीं है उसमें। हाँ, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। कैसी तबीयत है तेरी अब? ठीक नहीं है वैसे, अभी भी वैसी ही है। तू ना शाम को मेरे साथ चली, चाची को कहीं वो भी तैयार रहे। ठीक है, चलता हूँ।
कहाँ जा रहा है? वो कार वाले किधर हैं चाची और सितारा? सब बाहर गए तो मुझसे गल नहीं करनी? डरता है मुझसे? नहीं। तो भागता क्यों है फिर? वो कार कोई नहीं है ना इसलिए। तो क्या हुआ, गार में कोई नहीं है तो बैठ के दो घड़ी मुझसे बात तो कर ले, क्या हो जाएगा? वैसे एक बात बोलूं तुझसे? हाँ बोल। तेरे बगैर ना जी नहीं लगता मेरा इस कार में। आप पता है जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। दिल चाहता है कि जितनी भी सांसें हैं ना तेरे नाल नाल हो बस। मैंने तो कुछ नहीं करना ना, वो तो पाई ने करना है ना सब कुछ। तो गल कर पाई से। वो किया है फोन, नंबर ही बदल लिया उन्होंने। बड़े दिन हो गए, मेरी भी ना सुरैया बाजी से कोई गल नहीं हुई है। पता नहीं कैसी होगी मेरी बहन। तो तू फिक्र ना कर, वो सऊदी में बैठी एसी में। तू मुझे भी ले जाना उधर। ओ भाई बुलाएगा तब ना। ओ बुलाएगा भाई, क्यों नहीं बुलाना उसने? पता है मैं क्या सोचती हूँ, बल्कि मेरा एक ख्वाब है कि शादी के बाद ना हम सारे ना एक साथ रहेंगे। मैं अपनी बाजी की मदद करूंगी और तू अपने पाई के साथ काम करी है। अब ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जा रहा है, दुकान खोलनी है, बंद पड़ी है जब से। ना जाना, तू तो पागल है। पागल तो हूँ तेरे लिए मगर। आज वो तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं आया? घर गया होगा, मेरा पता करना है। क्या बताऊँ आजाद, किस तरह छुप कर तुमसे मिलने आती हूँ। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? शक उसे तो यकीन है, बहुत कमीना इंसान है। तुम्हें क्या लगता है कहीं वो बता तो नहीं देगा कभी? अल्लाह ना करे, अब्बा बहुत सख्त हैं इस मामले में। अगर उसने बताया ना तो मैं उसको उठवा लूँगा। नहीं आजाद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? वैसे भी अब्बा रात को बहुत तारीफें कर रहा था तुम्हारी, कहता कि तुम इस गांव की तकदीर बदल दोगे, तुम इंसानों में बराबरी रखते हो और दौलत का रुतबा नहीं देखते हो। सितारा तुम्हारे अब्बा बहुत जानदीदा है, मेरे इलेक्शन जीतने के बाद जो कुछ भी मैंने सोचा हुआ है ना उन्होंने मेरी आंखों में पढ़ लिया। तुम तो स्कूलों में पढ़ते हो, मेरे अब्बा ने तो अपनी ज़िंदगी से सीखा है। अब्बा कहता है दुखों से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता, ये इंसान को सब कुछ सिखा देता है। ठीक कहता तुम्हारा अब्बा। वैसे फातिमा की तबीयत कैसी है? वो तो ठीक ही नहीं हो रही। अल्लाह पाक उसे सेहत दे जल्द से जल्द। मेरा सलाम कहना उसको और पूछना भी। वैसे वो मेरे बारे में क्या कहती है? इतने दिनों से तुम्हारे मौजू पे बात ही नहीं हुई। चलो कोई नहीं, आज कर लेना, मेरा सलाम लाजमन कहना। और अगर ना कहूँ तो? तो फिर मैं घर आके पिटाई लगाऊंगा। पासू चल जल्दी।